अब हम टॉपिक अपना कवर करते हैं प्लगिंग एंड डिगिंग। प्लगिंग एंड डिगिंग का मतलब क्या होता है? प्लगिंग का मतलब होता है जुताई और डिगिंग का मतलब होता है खुदाई। तो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लगिंग। मिट्टी को लूज करने के मिट्टी जो होता है, जो सॉइल होता है उसके लूज उसको लूज करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? टीलिंग और प्लगिंग कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा डन होता है? वुडन एंड आयरन प्लग, मतलब कि जो लोहे और लकड़ी के जो प्लग हल होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। अगला टॉपिक है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी क्या हुई है उनकी डिगिंग की गई है, खुदाई की गई है, वो क्या करेंगे उसको अब लेबल में लाएंगे, उनको समतल करेंगे, जो क्रम्स बने होते हैं उनको क्या होते हैं छोटे छोटे पीसों में और ब्रेक किया जाता है। तो सेम इसमें यही बोला जा रहा है कि सोइल इफ़ प्लग्ड इन ड्राई सीजन, अगर ड्राई सीजन सूखे सीजनों में क्या होता है जब सोइल की प्लगिंग की जाती है तो ब्रेक इनटू बिग मड पीसीज कॉल्ड क्रम्स। तो जो उसमें बड़े बड़े मड पीसीज होते हैं, जो गीले गीले पीसीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं। एंड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लांक और आयरन लेवलर। ठीक है, तो जो बड़े बड़े जो क्रम्स होते हैं जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे उन बड़े बड़े क्रम्स को क्या करेंगे वुडन प्लांक और आयरन लेवलर से क्या करेंगे उनको छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, दिया फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। जब क्या होगा मिट्टी को मिट्टी में बीज बोने से पहले क्या किया जाता है उसको लेवल किया जाता है और लेवल करने के बाद क्या किया जाता है उसको फिर इरीगेशन की जाती है। ठीक है, मिट्टी सोइन बीज को बोने के बाद अब इसमें हम पढ़ते हैं मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या होता है? मैन्यूर का मतलब होता है खाद। मिक्सिंग सॉइल विद मैन्यूर इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। मिट्टी में सॉइल के मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है? मैन्यूरिंग कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी में मैन्यूर का मिलाना ही क्या होगा? मैन्यूरिंग। मैन्यूर इज एडेड टू सॉइल बोथ बिफोर एंड आफ्टर टीलिंग। जो मैन्यूर होता है वो क्या होता है? टीलिंग करने से पहले और टीलिंग करने के बाद दोनों टाइम ही क्या किया जाता है? मैन्यूर को ऐड किया जाता है। एंड ऐड मैन्यूर बिफोर टीलिंग हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल। जब क्या किया जाता है? जब मैन्यूर को टीलिंग के पहले क्या किया जाता है? प्रॉपर तरीके से इसमें मिक्स किया जाता है तो क्या होता है? मिट्टी में ये जो मैन्यूर होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। अगला टॉपिक है सोइंग। सोइंग का मतलब बुआई। तो जब हम सीड को क्या करते हैं? सॉइल के अंदर बोते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सोइंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। मेथड ऑफ सॉइल, अब देखो यहाँ पे मेथड्स ऑफ सोइंग, बीज बोने के मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं बीज बोने के मेथड? तो सीड्स आर सोन इन फील्ड बाय एनी ऑफ थ्री मेथड डिस्क्राइब। यहाँ पे तीन मेथड होते हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है? बीजों को बोया जाता है। पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? इसमें सीड्स आर सोन मैन्युअली बाय डायरेक्ट स्केटरिंग देम इनटू द सॉइल। इसमें क्या होता है? जो बीज होते हैं उनको डायरेक्ट ही क्या होता है? मिट्टी के ऊपर स्केटरिंग किया जाता है। स्केटरिंग का मतलब क्या हो जाए? फैला दिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। सीड ड्रिल्स दूसरा क्या है मेथड? सीड ड्रिल्स। तो ये मेथड क्या है? ये दूसरा मेथड है। इट इज़ यूज्ड अ सीड ड्रिल। ठीक है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है? सीड ड्रिल में किया जाता है। अ सिंपल सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ एन आयरन ट्यूब एंड विद फनल एट द टॉप अटैच टू द प्लग। देखो जो प्लग होता है उसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे क्या होता है? एक फनल टाइप का क्या होता है? आयरन ट्यूब बना होता है जिसमें क्या होता है जैसे जैसे आगे प्लगिंग करते जाते हैं वैसे वैसे सीड क्या होता है उसके अंदर मतलब सो होते जाते हैं, मतलब उसमें बुआई होती जाती है। अगला जो मेथड है हमारा वो है देखो जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है सीड ड्रिल दिया गया है ना यहाँ पे देखो आपको दिया गया है
यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कुछ इस टाइप का, ये एक आपको इंस्ट्रूमेंट गिवन है, इसमें देखो ये एक पतले पतले पाइप्स अटैच है, एंड इसके बाद क्या है ये वाले पोर्शन में ये पाइप क्या हो रहे हैं, बिल्कुल अटैच हो रहे हैं, और इन पाइपों का ये चारों पाइप क्या हो रहे हैं, एक ऊपर वाले फनल के फनल से कनेक्ट है। ठीक है, जब हम इस फनल में क्या करेंगे, बीजों को डालेंगे, तो जाहिर सी बात है ये बीज क्या होंगे, जैसे जैसे प्लगिंग होती जाएगी वैसे वैसे सीड में मिट्टी में सीड क्या होंगे, बोते हुए आगे होते जाएंगे। ठीक है, अगला है ट्रांसप्लांटेशन। थर्ड मेथड हमारा क्या है, ट्रांसप्लांटेशन। अब नाम से ही पता चला है ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है, मतलब ट्रांस हो रहा है, प्लांट को ट्रांस किया जा रहा है, मतलब कि दीज आर सर्टेन क्रॉप्स लाइक पैडी सम वेजिटेबल्स फॉर विच सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड देन द सीडलिंग आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र करना, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे जो धान की खेती होती है उसको हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, खेतों में नहीं उगा सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम पहले उनके बीजों को क्या करते हैं उगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको उखाड़ कर फिर उनका प्लांटेशन किया जाता है खेतों में। ठीक है, फिर उनको हम लोग लगाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि यहाँ पे बस पैडी की ही बात नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जिनके साथ क्या होता है ये वाला प्रोसेस रिपीट किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं, अब हमने देखो क्या किया, हमने सोइल प्रिपेयर कर लिया, फिर उसके बाद लेबलिंग कर ली, फिर उसके बाद क्या किया उसमें हमने बीजों को बो दिया, सीड ड्रिलिंग कर ली, मतलब कि मेथड पढ़े हमने यहाँ पे कि जो सोइंग होता है वो कितने मेथड से होता है। फिर उसके बाद अब देखो बीज बोने के बाद जाहिर सी बात है अब किसकी ज़रूरत होगी, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो अब वो वाला टॉपिक हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्रो अप्लाइंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र। मैन्यूर का मतलब क्या होता है, मैन्यूर का मतलब होता है खाद, और फर्टिलाइज़र का मतलब होता है उर्वरक। मैन्यूर क्या होता है, मैन्यूर को हम क्या करते हैं होम या फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड फर्टिलाइज़र को क्या किया जाता है, ये आर्टिफिशियल होता है, इसे क्या होता है एफ से फर्टिलाइज़र और एफ से फैक्ट्री। ठीक है, ये कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, ये फैक्ट्रियों में प्रिपेयर किया जाता है। तो क्रॉप एब्जॉर्ब वेरियस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट देयर रूट्स। जो क्रॉप्स होते हैं क्या करते हैं वो मिट्टी, जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं मिट्टी में जब उनकी जड़ें होती हैं तो वो जड़ों के थ्रू क्या करते हैं बहुत से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं क्रॉप्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या होते हैं रिक्वायर होते हैं। और द रिप्लेनिशमेंट इज डन बाय एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजेशन। और जो ये रिप्लेनिशमेंट होता है ये क्या होता है, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के ऐड करने के बाद ही कंप्लीट होता है, और इसे हम क्या कहते हैं मैन्यूरिंग कहते हैं। मैन्यूरिंग का मतलब हमने यहाँ पे मैन्यूर मतलब कि हमने खाद को यहाँ पे मिट्टी में ऐड किया है, मतलब कि मिलाया है फिर भरा है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है मैन्यूर। मैन्यूर क्या है, ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि क्या होता है डिकम्पोजिंग बाय एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रिसाइड्यूसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक नेचुरल होता है, और ये क्या होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि क्या होता है एनिमल वेस्ट और प्लांट के रिसाइड्यूसिस से क्या होता है डिकम्पोज होता है, और दे सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल मेक इट फर्टिलाइज। और ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को ह्यूमस और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं इसे फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, मैन्यूर्स आर द थ्री काइंड, मैन्यूर्स के तीन काइंड हैं, मतलब तीन प्रकार है, एक होता है फार्म यार्ड मैन्यूर, एक होता है कंपोस्ट, और एक होता है थर्ड ग्रीन होता है। फार्म यार्ड मैन्यूर क्या होता है, ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग यूरिन स्ट्रॉ लीव्स एंड अदर फार्म यार्ड वेस्टेड। तो ये किससे मिलकर बना होता है, ये जो कैटल डंग होते हैं जो गाय के बछड़े होते हैं उनके गोबर, उनके
यूरिन मतलब कि टॉयलेट, स्ट्रो मतलब कि जो भूसा होता है, और जो पत्तियां होती हैं उनसे मिलकर क्या बने होते हैं, जो मैन्यूर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यार्ड, फार्म यार्ड मैन्यूर। फार्म मतलब कि फार्म में क्या होता है, हम इन्हीं को पालते हैं, इनसे क्या मिलता है, डंग मिलता है, यूरिन मिलता है, स्ट्रो मिलता है, ठीक है। कंपोस्ट, अगला हम पढ़ते हैं कंपोस्ट। तो इट इज़ मैन्यूर ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, सेवेज वेस्ट। तो ये जो कंपोस्टिंग होता है ये किसके थ्रू मिलता है हमें, ये हमें मिलता है जो एनिमल के थ्रू वेस्ट होता है। एनिमल के थ्रू वेस्ट क्या होता है, जो उनका गोबर होता है वो वेस्ट होता है, और जो डेड प्लांट होते हैं, जो बिल्कुल ही जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उनकी हेल्प से क्या तैयार होता है यहाँ पे, सेवेज वेस्ट मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं वो सेवेज करते हैं, मतलब उनका जो मलमूत्र होता है, उन इन सभी चीज़ों से जो चीज़ तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्यूर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन के द्वारा मैन्यूर तैयार होता है। एंड इट इज़ मेड बाय बर्लिंग ऑल अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ पिट। burying all available organic material in a pit with alternative layers of soil and leaving it to rot, ठीक है। अब देखो ये जितने भी मटेरियल होते हैं इनको हम क्या करते हैं, गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं। बर्लिंग का मतलब क्या होता है, गड्ढा खोद कर किसी जितने भी मटेरियल हमारे पास होते हैं उनको उसके अंदर दबा देना, ठीक है। और क्या करना है, इस मिट्टी की कुछ लेयर तक ही क्या करना है हमें, इन सभी मटेरियल को, मटेरियल कौन से हैं, जो डेड प्लांट्स है, एनिमल वेस्ट और सेवेज वेस्ट है, इन सभी को हमें क्या करना है, एक गड्ढे में दबा देना है, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना जब तक ये सड़ गल ना जाए। जब सड़ गल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कंपोस्ट मैन्यूर मिल जाएगा, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ग्रीन मैन्योर इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिंग ऑफ फास्ट ग्रोइंग लिगुमिनस प्लांट लाइक ग्वार एंड सनहैप, ठीक है। तो देखो ग्रीन मैन्यूर क्या होता है, ये होता है किसके डिकम्पोजिशन से, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें, जैसे ग्वार और सनहैम्स होते हैं, इनके डिकम्पोजिशन से जो वो मैन्यूर तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्यूर। लेगुमिनस प्लांट क्या होता है, जो पतली छोटी छोटी जड़ों वाली होते हैं जिनको हम हाथों से उखाड़ते तो बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं, तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। एंड दीज प्लांट्स आर ग्रोन एंड प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल, और इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लग्ड और ग्रोन के मिट्टी में, प्लग और ग्रोन के द्वारा क्या कर सकते हैं, दोबारा से उगा सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, अब जो हमने मैन्यूर पढ़ा है उसके एडवांटेज मतलब कि उसका क्या प्रॉफिट है प्लांट के लिए। तो इट एनरिचेज द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इट एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, और ये क्या करता है, ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो क्या करता है, मिट्टी में मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल, और ये क्या करता है, जो मैन्यूर होता है ये सैंडी सॉइल में वाटर कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, एंड जो ड्रेनेज इन क्ले सॉइल होता है उसमें ड्रेनेज को इंक्रीज करता है। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, जो उसमें पानी के निकलने का पोर्शन होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ यूजफुल
माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन द सोइल, और मिट्टी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में क्या करता है, मैन्यूर हेल्प करता है, एंड इट इम्प्रूव्स एंड मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ सोइल फॉर लॉन्ग टाइम। और ये मैन्यूर क्या करता है, मिट्टी की क्वालिटी को काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखने में हेल्प करता है और उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र। अब आते हैं हम फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जैसा कि मैंने बोला था मैन मेड है, और ये फैक्ट्री में क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल। ये भी क्या करता है, सोइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि क्या होता है, मैन मेड और इनऑर्गेनिक होता है, और ये फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। द मोस्ट कॉमन यूज फर्टिलाइज़र आर NPK फर्टिलाइज़र विच आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आता है, NPK। N से होता है नाइट्रोजन, P से होता है फॉस्फोरस और K से होता है पोटाशियम। केमिकल फर्टिलाइज़र है बिकम पॉपुलर विद फार्मर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सोल्युबल इन वाटर, कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं क्या होते हैं, मिट्टी में काफ़ी ईजिली क्या हो जाते हैं, पानी के साथ सोल्युबल होते हैं। सोल्युबल मतलब पानी के साथ बहुत जल्दी घुल जाते हैं, और ये क्या कर लेते हैं, प्लांट इनको बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं। दे आर ऑल्सो ईजी टू स्टोर एंड हैंडल, और इनको क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो क्या होता है, काफ़ी ईजी तरीके से हैंडल कर लेते हैं और इनको स्टोर कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र आर सप्लाइड आइदर बाय ब्रॉडकास्टिंग इन द फील्ड और बाय स्प्रेइंग और थ्रू इरीगेशन चैनल्स। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र होता है ये कैसे अप्लाई किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू क्या होता है, फील्ड में अप्लाई किया जाता है, स्प्रेइंग के थ्रू अप्लाई किया जाता है, या इरीगेशन चैनल के थ्रू क्या कर सकते हो, फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इन्होंने ले रखा है, कॉमनली जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है उसमें क्या होता है आपका यूरिया। यूरिया तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि यूरिया का यूज़ किया जाता है, एंड क्या होता है, अमोनियम सल्फेट्स सुपर फॉस्फेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट, इनका क्या होता है, ये कॉमनली क्या है, ऐसे फर्टिलाइज़र है जिनका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ये डिफरेंस जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने के इसके क्या होते हैं, चांस होते हैं। ठीक है, तो मैन्यूर क्या होता है, यहाँ पे मैन्यूर का इजी सा फॉर्म ये है कि मैन्यूर भी क्या है, मैन्यूर आर अ नेचुरल सब्सटेंस, और फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र आर सॉल्ट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है, सॉल्ट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मेटल एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग प्लांट रेसिडाइज। ठीक है, तो जितने भी काउ डंग प्लांट और रेसिडाइज होते हैं उनसे मिलकर क्या बना होता है, मैन्यूर बना होता है, एंड दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल। और जो फर्टिलाइज़र होते हैं क्या है, ये फैक्ट्रियों में केमिकल के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, मैन्यूर्स कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट बट इन स्मॉल अमाउंट। प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है क्या होता है, वो मैन्यूर में होता है, जो कि क्या होता है, काफ़ी कम मात्रा में प्लांट्स को मिलता है वो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है क्या होता है, इसमें रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र में पाया जाता है, जो कि क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम है। दे आर वेरी स्लो एक्टिंग ऑन सॉइल, मैन्यूर क्या होता है, ये मिट्टी में काफ़ी स्लो प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, मिक्स होता है, और फर्टिलाइज़र क्या होता है, क्विक इन एक्शन, ये काफ़ी जल्दी क्या होता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है। फोर्थ है, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल ऑल्सो इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। ये क्या करता है, जो मैन्यूर होता है क्या करता है, ये मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। एंड जो फर्टिलाइज़र होता है ये क्या करता है, ये मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता है। मैन्यूर आर नॉट एब्जॉर्ब क्विकली बाय द प्लांट्स एज दे आर नॉट ईजिली सोल्युबल। जो मैन्यूर होता है वो क्या होता है, ये प्लांट के थ्रू काफ़ी जल्दी क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, और ना ही ये क्या होता है, वाटर में सोल्युबल होता है। लेकिन यहीं पर देखा जाए तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये होता है वाटर में सोल्युबल होता है, और ये क्या होता है, काफ़ी जल्दी ही प्लांट इसको क्या कर लेते हैं, ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस आर
नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं इसमें क्या होते हैं, काफ़ी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 7th पॉइंट हमारा है यहाँ पे, मैन्यूर्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जो मैन्यूर होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी लार्ज अमाउंट में रिक्वायर किए जाते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटी, जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनको स्मॉल क्वान्टिटी में रिक्वायर किए जाते हैं। दीज आर इनकन्वीनियंस टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और अप्लाई, अप्लाई की जगह सप्लाई कर लो, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनकन्वीनियंस मतलब कि जो मैन्यूर होते हैं ये इनकन्वीनियंस होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट, स्टोर और सप्लाई करना काफ़ी इजी नहीं होता है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं काफ़ी कन्वीनियंस होली होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, सप्लाई हो जाते हैं और काफ़ी इजी तरीके से इनको स्टोर भी किया जा सकता है। 9th पॉइंट है हमारा, दे टेक लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट एंड रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर देयर प्रिपरेशन, ये क्या करते हैं, ये क्या, ये काफ़ी लंबे समय तक क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को दिखाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक कि इनकी जो वो मात्रा होती है मैन्यूर की वो प्रेजेंट होती है सोइल में, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं क्या होते हैं, दे शो इमीडिएटली रिजल्ट एंड टेक लेस टाइम इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, जो फर्टिलाइज़र होते हैं क्या होते हैं, ये काफ़ी जल्दी ही अपना रिजल्ट शो कर देते हैं और काफ़ी कम टाइम के लिए क्या होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इफ़ अप्लाइड इन लार्ज क्वान्टिटी दे डू नॉट हार्म द प्लांट, लेकिन जो मैन्यूर होता है अगर हम लार्ज क्वान्टिटी में काफ़ी बड़ी मात्रा में अगर हम इसको प्लांट में यूज़ करें तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ काफ़ी लार्ज क्वान्टिटी में करते हैं तो ये क्या होता है, ये प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इससे क्या हो सकता है, प्लांट काफ़ी पॉइजनस हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको मैं यहीं तक कंप्लीट करवा रही हूँ, आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वारी हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।